कहीं भी आप जाइएगा देखिएगा कि बिहारी लोग हमेशा अव्वल लाते हैं, क्योंकि उनमें सक्षम है, हर नॉलेज है और हर परिस्थिति को झेलने के लिए उनके पास उतना सूझबूझ है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा, और ईश्वर करे कि आप इसी तरह और आगे बढ़ें, अपने जीवन में सक्षम हो और आगे तरक्की करें। एक समाज के लिए एक प्रेरक हैं, मतलब कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगी वो आगे समाज में आने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, बात तो सभी को पता है कि यूपीएससी मतलब बिहार के बच्चे, हमेशा बिहार के बच्चे ही ज़्यादातर यूपीएससी में रैंक लाते हैं। तो इस बार लड़कियों ने बाजी मारी है, बिहार की लड़कियों ने बाजी मारी है। तो आज हम लोग पटना के सड़क पर मौजूद हैं और पटना के लोगों से पूछे कितना खुश है कि बिहार की लड़की यूपीएससी में रैंक 1, रैंक 2 ये सब लाई है। तो चलिए लोग से ही पूछते हैं, यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ भैया? जाहिद नूर। स्टूडेंट है? हाँ, स्टूडेंट है। यूपीएससी में बिहार की लड़कियाँ इस बार रैंक लाई हैं, तो खुश है कितना? हाँ, एकदम खुश है, काफ़ी खुश है। बस आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, पढ़ रहा हूँ यहीं पे। हाँ, स्टूडेंट। किस चीज़ की पढ़ाई कर? अभी तो मैं बीएड कर रहा हूँ। अच्छा, बीएड कर। हाँ, मतलब बहुत खुश है बिहार की लड़कियां, एकदम। हाँ, एकदम बहुत खुश है, बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स ही हैं, हम लोग आए ही हैं स्टूडेंट एरिया में, स्टूडेंट से बात करने। देखिए, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं। किस चीज़ की पढ़ाई? नीट की। नीट की पढ़ाई जी। यूपीएससी में बिहार की लड़की रैंक जी गरिमा जी, कितना खुश है ये? बहुत खुश है, बिहार की लड़की लाई है जी, प्राउड फील हो रहा है जी, बहुत खुश है। चलिए, आपको प्राउड फील हो रहा है। यहाँ पे एक और हैं जो चाय पी रहे हैं, आप बताइए। बिहार की लड़कियाँ यूपीएससी निकाल रही हैं और रैंक 1, रैंक 2 ऐसे ला रही हैं, कितने खुश हैं ये बताइए? बहुत खुशी की बात, बहुत गर्व की बात है कि बिहार की लड़की नंबर 1 ला रही है, इसी तरह आगे भी नंबर 1 लाएगी जी, जरूर लाएगी। खुश है, बहुत खुश है, गर्व की बात है कि बिहार की लड़की ने एक लड़की होकर के फर्स्ट रैंक लाई है, बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। देखिए, और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि बिहार की लड़कियाँ रैंक 1, रैंक 2 लाई हैं यूपीएससी में, पता ही होगा, तो कितने खुश हैं ये बता दीजिए। खुशी का बात तो है, देश की लड़कियाँ अगर टॉपर हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम में, तो खुशी की बात तो है, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात उनको है। क्या बोलिएगा अगर देखेंगे तो? उनको क्या बोलना चाहिएगा? बधाई देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे जी, मतलब प्राउड फील हो रहा है, बहुत फील हो रहा है। चलिए, बहुत प्राउड फील हो रहा है। नाम क्या हुआ? अभिषेक कुमार। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। यूपीएससी में जो लड़कियाँ, बिहार की लड़कियाँ इस पर बाजी मारी हैं, तो क्या बोलना चाहिए? पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, और बिहार का नाम ऐसे रोशन करते रहे, और हमेशा से बिहार फेमस रहा है यूपीएससी के लिए, फेमस रहा और रहेगा ही, रहेगा ही। तो खुश कितना ही बताएं? बहुत ज़्यादा, प्राउड फील हो रहा है, बहुत बहुत। हाँ, चलिए, देखिए, बहुत प्राउड फील हो रहा है, बोल रहे हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? जनरल। जनरल। तो जो बिहार की लड़कियाँ हैं यूपीएससी में रैंक 1, रैंक 2 लाई हैं, तो क्या उनको बोलिएगा? बहुत अच्छी बात है बिहार के लिए जी। और क्या, प्राउड फील हो रहा है? प्राउड फील होगा, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकली होती तो अच्छा लगता जी, हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकली होती तो अच्छा लगता। अच्छा, हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकलती तो अच्छा लगता, लेकिन तब भी प्राउड फील हो रहा है? हाँ, प्राउड फील हो, हाँ, बिहार की हैं, अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार महिलाओं ने ज़्यादा सफलता हासिल की है जी, बहुत खुश है। बधाई दीजिएगा कि नहीं? बहुत बहुत बधाई आप सबको जिसने भी सफलता हासिल की है। कि नाम क्या? शोएब अख्तर। क्यों, करते क्या है? तैयारी करते हैं। किस चीज़ की? यही बीपीएससी सर। बीपीएससी और यूपीएससी में लड़कियां ऐसे बाजी मारी हैं, तो क्या कहिए? तो अच्छी बात है, मेहनत ज़्यादा करती है ना। मेहनत ज़्यादा करती है, खुश है कि नहीं? अच्छी बात है, मेरी सिस्टर प्रिपरेशन कर रही है यूपीएससी का। अच्छा, सिस्टर प्रिपरेशन कर रही है। हाँ, जो लड़कियां, बिहार की लड़कियां खास करके यहां पे बोला जा रहा है कि बिहार की लड़कियां इस बार बाजी मारी, तो उनको क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, अच्छी बात है, और मेहनत करें और आगे आए, जितना घर पे है हमारे। कांग्रेट्स बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेट्स एकदम, और मेहनत करें, यू विल डेफिनेटली डू इट, लगे रहिए, होगा, सबका होगा। यहां पे एक अंकल मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि बिहार की लड़कियां यूपीएससी में रैंक 1, रैंक 2 लाई हैं, बाजी मारते ही हैं बिहार के बच्चे, क्या बोलिए? ये कहना यही है कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करती हैं, माहौल भी है बिहार में,
और कहीं भी आप जाइएगा देखिएगा कि बिहारी लोग हमेशा अव्वल आते हैं, क्योंकि उनमें सक्षम है, हर नॉलेज है और हर परिस्थिति को झेलने के लिए उनके पास उतना सूझबूझ है। जी समझदारी है। समझदारी के बच्चे, दो बच्चे हैं, एक बच्चा चेहरा छुपाया हुआ है। जी हाँ, क्या बनाना चाहते हैं? देखिए ये तो फ्यूचर की बात है, जितना मेहनत करेगा बच्चा फिर आगे उसी तरह से माइंडसेट होगा कि माइंडसेट यही कि चाहे डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन भी बन सकता है। बिजनेसमैन भी बने। जी क्या बोलेगा जो लड़कियां रैंक लाई हैं? हाँ, बहुत बहुत उनको बधाई हो, बहुत बहुत ये आपको थैंक्स कि वो इस तरह कर रही हैं, बिहार का नाम रोशन कर रही हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सब कुछ कर रहे हैं वही। जब आप प्लेटफॉर्म बनाइएगा तभी कोई आदमी आगे बढ़ सकता, वरना नहीं। तो बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। देखिए बहुत से लोग क्रिटिक करते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना। जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है तो उसकी तरफ देखें, नेगेटिव थॉट वाले नेगेटिव ही बात करेंगे, उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। की लड़कियों को जो रैंक लाई है उनको एक बार कांग्रेस बोल दीजिए। कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा, और ईश्वर करे कि आप इसी तरह और आगे बढ़ें, अपने जीवन में सक्षम हो और आगे तरक्की करें। जी बीएससी और जो भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं उनको क्या बोलना चाहिए? उनको भी बोलेंगे कि आप इसी तरह देखिए, सीख लीजिए और इसी तरह उनसे आप जो है सीख कर अच्छे से करने का, कैसे एजुकेशन किस तरह से पढ़ाई किया जाता है, एक 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 एक, एक, एक ये टिप्स लीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। और साथ में जो बच्चे हैं जो छूटे हुए हैं उनको भी इस तरफ लाइए, जो कि जब जब सब तरक्की करेंगे तब तभी जाके एक बिहार अच्छा बनेगा, बिहार डेवलप करेगा। नाम क्या हुआ? चंदन सिंह। स्टूडेंट हैं? किस चीज़ की पढ़ाई? सीजीएल। यूपीएससी में लड़कियाँ इस पर बाजी मारी हैं, बहुत अच्छी बात है। बिहार की लड़कियां जो सरकार चाहती हैं वो हो रही है, सरकार भी इसको प्रोत्साहन दे रही है लड़की लोग को, तो अच्छी बात है कि लड़की लड़कों से ज़्यादा हम लोग। हाँ हाँ, प्राउड कितना फील हो रही है? बहुत ज़्यादा। वो लड़कियां सिर्फ लड़कियां नहीं है, कोई हम लोग का परिवार में भी सदस्य हैं, तो कोई भी किसी भी घर का उत्थान हो या परिवार का अच्छी बात है, मतलब खुश है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील है। क्या कहना चाहिए वो लड़कियाँ देख रही हैं? वो लड़कियाँ यही कहेंगे कि आप अपना जीवन में तरक्की कीजिए, तरक्की तो ऑलरेडी वो कर चुकी हैं जो टॉप की हैं, अच्छी बात। पढ़ाई कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़कियाँ देखेंगी उनसे तो उनसे प्रोत्साहन उनको मिलेगा कि लड़की भी यहाँ इंस्पायर होंगे, उनको इंस्पायरेशन हो गया। कुछ लड़कियाँ जो हिम्मत हार चुकी हैं उनको इंस्पायर होंगे उससे देख एक बार और ट्राई करेंगे। हाँ हाँ हाँ, लड़कियों का लड़के भी करेंगे। नाम क्या हुआ भैया? अच्छा आप नहीं बात करना चाहिए। नाम? मेरा नाम अंकित कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की? हम NMCS से BSc नर्सिंग कर रहे हैं। UPSC में लड़कियां जो बाजी मारी हैं, बिहार की लड़कियां बाजी मारी हैं, तो क्या बोलेगा? बहुत खुश हैं, अगर बिहार की बेटी अगर UPSC में अच्छे अच्छे रैंक ला रहे हैं तो हम लोग पूरे बिहार वासी इसलिए बहुत खुश है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और क्या बोलूँ, क्या बोलिएगा? उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और मतलब उससे प्रेरणा लेकर के और बिहार की हर बेटी को चाहेंगे अच्छे से अच्छे, मतलब पूरे देश का नाम रोशन करे, आगे बढ़े। बस जो लड़कियां अभी तैयारी कर रही होंगी और कहीं ना कहीं किसी भी कारणवश हिम्मत हार गई होंगी तो उनको भी नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। देखिए डर के आगे जीत है, हिम्मत तो हारना ही नहीं चाहिए, ठीक है, लड़ना चाहिए, उसे फेस करना चाहिए। अगर कोई ऐसा ज़रूरी थोड़ा है कि हर लड़की यहाँ फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में, बहुत सारा अटैम्प्ट देना पड़ता है, हर लोग का थिंकिंग कैपेसिटी अलग होता है, बड़े मतलब सोचने का क्षमता अलग अलग होता है, इसलिए लड़कियों को मेहनत करना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, मेहनत करना चाहिए और उसे लड़ना चाहिए ताकि देखिए, हालांकि बिहार देखिए संघर्ष की धरती है, बिहार में तो मतलब संघर्ष का दूसरा नाम भी बिहार है। बिहार। नाम क्या हुआ? नाम विकास। क्या करते हैं? मतलब प्रिपरेशन करते हैं। किस चीज़? CGL। हाँ, तो बिहार की जो लड़कियां रैंक वन रैंक टू लाई हैं और इस बार बाजी मारी है, लड़कों को पीछे छोड़ दिया, क्या बोलेगा उन लड़कियों को? ये बहुत अच्छा चीज़ है, बिहार के विकास जिसमें नीतीश कुमार आए हुए हैं, लड़कियों पर काफ़ी ध्यान दिया है और BBSC में 35% रिजर्वेशन दिए हैं, इससे क्या मोस्ट ऑफ लड़कियाँ जो है मतलब अच्छे पोस्ट पर जा रहे हैं जी। और एक इसमें माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है, योगदान है, ऐसा रिजल्ट लाए हैं, उनको क्या बोलिए? मतलब एक समाज के लिए एक प्रेरक हैं, मतलब कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगी वो आगे समाज में आने के लिए, और बिहार को मतलब एक मतलब अच्छा मतलब राज्य बनाने के लिए, जो मतलब और सारा राज्य जो है इसे प्रेरणा लेगा, प्रेरणा लेगा। और जो
होंगी जो अभी प्रिपेयर कर रही होंगी बीपीएससी यूपीएससी के लिए, तो उनको योगदान मिलेगा कि नहीं? यस व्हाई नॉट, इट इज एसेंशियल्स पार्ट ऑफ, मतलब जो भी है, मतलब ये बहुत अच्छा चीज़ है कि बहुत सारी लड़कियां मतलब सोचती है, मतलब हम मेरे अंडर में भी मतलब हम देखा है कि कोई भी लड़की सक्सेस करती है तो उसे प्रेरक हो करके वो उस डायरेक्शन में जाने के लिए मतलब सोचती है, और मतलब बहुत सारी लड़कियां, बहुत बड़ा योगदान है मतलब, और बिहार में हर बार मोस्ट ऑफ देम, और इस बार तो खास कर बहुत अच्छा रहा, हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है, पिछले बार भी बिहार का ही टॉपर था कोई, शुभम या हम शुभम, तो इस बार रैंक लाई हूँ, उनको क्या बोली ये मतलब दीजिए, यस वो तो है ही, मतलब ये एक मतलब एक इतिहास में याद किया जाएगा इस वर्ष को, उस लड़कियों को जिन्होंने मतलब मेहनत करके इस टाइप के वर्क की हैं या अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, तो ऐसे लड़कियों की आवश्यकता है, वो उनके लिए भी है जो लड़कियां मतलब दूसरे कामों में व्यस्त रहती, वो भी एजुकेशन की तरफ आएंगे, क्योंकि ये माहौल पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव माहौल बनेगा, देख के लोग, हाँ लोग आएगी, हाँ प्रेरित होगी, ये पॉजिटिव माहौल बहुत जरूरी था बिहार में, यूपी में, बिहार में खास करके, और इसमें हमारे मतलब जो आदरणीय मुख्यमंत्री उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो देखिए आप लोगों ने सुन लिया कि जो पटना के लोग हैं वो कितने खुश हैं कि बिहार की लड़कियां इस बार बाजी मारी हैं, तो पटना के लोग कितने खुश हैं और कितना प्राउड फील कर रहे हैं, साफ बोल दिए कि कितने खुश और कितना प्राउड फील कर रहे हैं और कांग्रेस भी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने सबको सुन लिया, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।